प्रिय मित्रों, एक बाग में एक तोता अपनी मैना से कह रहा था कि प्यारी मैना, पुरुषों का जीवन बहुत दुखदायी होता है। मैना बोली, वह कैसे तोता? बोला, पुरुष के जीवन में ऐसी स्त्रियां आ जाती हैं जो पुरुष जीवन भर स्त्री का गुलाम बनकर रह जाता है। मैना बोली, वह कैसे? तोता बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना, तुम्हें पता चल जाएगा वह कौन सी स्त्रियां होती हैं। प्रिय मैना, एक बार की बात है, चंद्रपुर नामक एक गांव था। उस गांव में सुरेश नामक एक जमींदार रहता था। सुरेश ने स्त्रियों के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी थी, लेकिन सुरेश इन सब बातों को गलत मानता था। एक दिन सुरेश अपनी बेटी के विवाह के लिए एक रिश्ता देखने जाना था। वह अपने गांव से चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद सुरेश को बहुत प्यास लग गई। तभी उसे एक गांव दिखाई दिया। जब वह गांव के समीप पहुंचा तो एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं से एक बहुत सुंदर स्त्री पानी भर रही थी। सुरेश ने उस स्त्री से थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा। उस स्त्री ने खुशी से सुरेश को पानी पिलाया। सुरेश पानी पीने के बाद उस स्त्री से पूछा कि क्या आप मुझे स्त्रियों की चरित्र के बारे में कुछ बता सकती हैं? इतना सुनते ही वह सुंदर स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उस औरत की आवाज सुनकर गांव के लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे। तभी सुरेश उस औरत से कहता है कि आप ऐसा क्यों चिल्ला रही हो? उस सुंदर स्त्री ने कहा कि ताकि गांव वाले आए और आपको खूब पीटे, और इतना पीटे कि आपके होश ठिकाने लग जाए। यह बात सुनकर सुरेश ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। तभी उस औरत ने कुएं के पास रखा एक मटके का सारा पानी अपने ऊपर डाल लिया और अपने शरीर को पूरी तरह से भीगा डाला। इतने में गांव वाले भी कुआं के पास आ गए। गांव वालों ने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ सुंदर? स्त्री ने कहा कि मैं कुएं में गिर गई थी, इस भले आदमी ने मुझको बचा लिया। यदि यह आदमी यहां नहीं होता तो आज मेरी जान चली जाती। गांव वालों ने सुरेश की बहुत तारीफ की और सुरेश को कंधों पर उठा लिया, खूब आदर सत्कार किया और सुरेश को इनाम भी दिया। जब गांव वाले चले गए तो उस सुंदर स्त्री ने सुरेश से कहा कि अब समझ में आया औरतों का चरित्र। वह सुंदर स्त्री ने सुरेश से कहा कि अगर आप स्त्रियों को दुख दोगे और उसे परेशान करोगे तो वह आपका सब कुछ सुख चैन छीन लेगी, और अगर आप उसे सुखी रखोगे तो वह आपको मौत के मुंह से भी निकाल लेगी।